अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चेकआउट बटन पर काम करेंगे। पहले शुरू में कार्ट में जाता हूँ और ये जो चेकआउट का बटन है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो एरर शो करेगा। हमको क्या करना है, यहाँ पर एक राउट इसके लिए बनाना है, जो कि हमने देखिए यहाँ पर नेविगेट के अंदर बनाया था एक राउट चेकआउट के नाम से। तो एक न्यू स्क्रीन हम क्रिएट करेंगे और वहाँ पे जो है पेमेंट्स ऑप्शन हम यहाँ पर बता देंगे। तो चलिए पहले क्या करेंगे, स्क्रीन के अंदर एक न्यू फाइल बना देंगे और इसका नाम मैं सेम रखता हूँ, चेकआउट डॉट जे एस। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे, आर एन एफ ई रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। सेव कर लेते हैं इसको। इसके बाद में इसको ऐप डॉट जे एस में ऐड कर देंगे, यानी एक राउट हमको बनाना है। तो इसी प्रोडक्ट डिटेल्स को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे हम इसको जो है पहले शुरू नेम दे देंगे, तो नेम में आपको लिखना है चेकआउट। मेक श्योर यहाँ पे जो चेकआउट है और आपने जो कार्ड के अंदर लिखा है ना नेविगेट कराते टाइम, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी जो है ये वर्क करेगा। चलते वापस ऐप डॉट जे एस में, कंपोनेंट भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे चेकआउट पेज, देखिए सजेशन शो करेगा। मेक श्योर जो स्क्रीन के अंदर से आ रहा है ना कंपोनेंट, उस पर आप क्लिक करिए तो टॉप पे जो इसका इम्पोर्ट स्टेटमेंट भी आ जाएगा कुछ इस तरीके से। सेव कर लेते हैं इसको। अब अगर मैं यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक करूंगा तो देखिए बराबर से चेकआउट वाले स्क्रीन पे हमको इसने रिडायरेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है पेमेंट का ऑप्शन बता देंगे और फिर क्या मेथड आप रिसीव करेंगे, जैसे कि हमारे केस में हम क्या करेंगे सीओडी कर लेंगे और ऑनलाइन, ये दोनों ऑप्शन इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए मैं इन फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ, पहले शुरू इसकी जरूरत नहीं है अभी। सो इन फाइल्स को मैंने क्लोज कर दिया। चेकआउट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना इस टेक्स्ट को रिमूव कर देंगे और साथ ही में आप क्या करें यहाँ पे, या फिर इस टेक्स्ट को एज इट इज रखता हूँ मैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन यूजर को शो करा देंगे, एक हेडिंग ऐड कर देंगे जैसे कि पेमेंट डिटेल्स, या फिर ऑप्शंस कर देता हूँ, उसको ज्यादा बेटर रहेगा, पेमेंट ऑप्शंस। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। उसके बाद में कितना टोटल हुआ है वो भी आप बता सकते हैं। सो अगेन एक टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल अमाउंट, और उसके बाद में कोई भी अमाउंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बाद में इसको डायनेमिक करेंगे, अभी स्टैटिक में कर लेता हूँ। सो 101 डॉलर। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट भी आ गया। उसके बाद में एक और व्यू मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और इस व्यू को हम क्या करेंगे एज अ कार्ड जो है ट्रीट करेंगे, और इसके अंदर क्या करेंगे दो मेथड हम बता देंगे या फिर दो बटन भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ पहले शुरू, ताकि यूजर को पता चले इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सेलेक्ट योर पेमेंट मोड, और उसके बाद में टचेबल ओपेसिटी का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप लिखेंगे टचेबल ओपेसिटी, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, इसके अंदर एक टेक्स्ट बना लेंगे। सो टेक्स्ट, और इसमें मैं लिख लेता हूँ कैश ऑन डिलीवरी। सो आप यहाँ पे लिखें कैश ऑन डिलीवरी, सेव कर लेंगे इसको। सेम इसी तरीके से इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे ऑनलाइन, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जैसे कि कार्ड, और यहाँ पर एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस हो गया ना, इसको रिमूव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको आप रिमूव कर लें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड कर देते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस कार्ट में, फिर चेकआउट पेज पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन बराबर से शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमको बैकएंड चाहिए और अभी हमारे पास बैकएंड नहीं है, अभी सिर्फ हम जो है यूआई पर काम कर सकते हैं, और ठीक ठाक लग रहा है। अभी थोड़ा सा इसको स्टाइल कर देंगे। सो वन बाय वन मैं सभी को टारगेट कर लेता हूँ। हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट को टॉप पे इंपोर्ट कर लेंगे पहले शुरू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टाइल शीट और फिर इसका एक वेरिएबल नीचे बना लेंगे। सो यहाँ पे const style इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट, फिर क्रिएट फंक्शन का इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो आपको लिखना है क्रिएट, और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले कंटेनर बना लेंगे, कंटेनर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे अलाइन कर देंगे आइटम्स को। सो अलाइन कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम्स, इसको कर देंगे हम सेंटर में, सेव, और साथ ही मैं अप्लाई भी कर देता हूँ ताकि हमको इफेक्ट भी नजर आए। तो इस व्यू के ऊपर स्टाइल, स्टाइल के अंदर स्टाइल्स का वेरिएबल है, और फिर उसके अंदर हमारे पास है कंटेनर, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए सब कुछ सेंटर अलाइन हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना जस्टिफाई कर देंगे कॉन्टेंट को, इसको भी हम सेंटर में कर देंगे, और यहाँ पे मैं इसकी हाइट भी ऐड कर देता हूँ। सो अगर हम हाइट ऐड करेंगे ना इसके अंदर परसेंट वैल्यू में ऐड कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 90%, तो सब कुछ सेंटर में कुछ इस तरीके से शो करेगा, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। अगर आपको सेंटर में नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जो है हाइट रिमूव कर सकते हैं,
जैसे अगर मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर लेता हूँ तो ये टॉप से चिपक कर आएगा, इसको आप जो है बाद में स्पेसिंग भी दे सकते हैं। मैं जो सबको सेंटर में रखना चाहता हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पर हाइट को भी ऐड करके रखा है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम हेडिंग एक ऐड कर देंगे इसके अंदर। सो हेडिंग के अंदर आप क्या करें, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लें। सो फॉन्ट साइज इसको कर देंगे 25, सेव कर लेते हैं इसको और अप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाले एलिमेंट पर। सो स्टाइल, और फिर इसके अंदर हम स्टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे, स्टाइल्स डॉट हेडिंग, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, और इसको जो है ना इसका फॉन्ट वेट चेंज कर लेंगे। सो फॉन्ट वेट इसको कर देंगे हम 700, बोल्ड ही होता है, दोनों का मतलब सेम है। और मार्जिन दे देता हूँ मैं वर्टिकल से, सो मार्जिन वर्टिकल ऑफ 20, अब ठीक ठाक लग रहा है। और इसको 30 भी करके देख सकते हैं, 30, तो 30 भी इनफ है, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। और इसको मैं 500 कर देता हूँ, 500, और ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो हेडिंग हो गया, उसके बाद में हमारे पास प्राइस है ना, सो प्राइस को भी मैं यहाँ पर टारगेट कर लेता हूँ, एक क्लास बना देंगे प्राइस के नाम से, और इसका भी फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे। सो फॉन्ट साइज इसको कर देता हूँ मैं 25, अप्लाई करके एक बार देख लेंगे। सो नीचे वाले पे आप क्या करें, स्टाइल ऐड कर दें, स्टाइल, और फिर उसके अंदर हम स्टाइल्स का यूज करेंगे, स्टाइल्स डॉट प्राइस, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, और काफ़ी बड़ा लग रहा है ये तो, 20 कर लेते हैं इसको, 20, अब ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप, टोटल अमाउंट $101। थोड़ा सा मार्जिन भी दे देता हूँ मैं नीचे, सो मार्जिन बॉटम इसको कर देता हूँ 10, तो थोड़ा सा और स्पेस हमको इसमें देखने मिल जाएगा। और इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं, डार्क जो है इतना खास नहीं लग रहा है, सो हम क्या करेंगे इसको कलर दे देंगे, और इसमें ग्रे कलर ऐड कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद में हमारे पास देखिए सेलेक्ट पेमेंट मोड है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ कार्ड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कार्ड बना लेता हूँ, कार्ड, और ये है कार्ड। इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे, सो बैकग्राउंड कलर, कार्ड भी कह लीजिए या फिर मीनिंगफुल नेम ऐड कर देंगे, जैसे कि ये पेमेंट के लिए है, तो मैं करता हूँ पेमेंट, पेमेंट कार्ड, कुछ इस तरीके से इसका नाम कर देता हूँ, तो ज्यादा हमको समझ में भी आ रहा है ये कौन सा कार्ड है। बैकग्राउंड कलर इसमें कर देंगे हम व्हाइट, सो FF, सेव कर लेते हैं इसको, और अप्लाई भी कर देंगे साथ में इस व्यू के ऊपर। तो स्टाइल, स्टाइल के अंदर आपको क्या करना है, स्टाइल्स का यूज करना है, और फिर हमारे पास है पेमेंट कार्ड, सेव। तो देखिए यहाँ पर बराबर से सब कुछ व्हाइट में शो कर रहा है। इसको और थोड़ा सा इनहेंस कर लेंगे हम, जैसे कि इसकी विड्थ सेट कर लेता हूँ मैं, और इसको कर लेता हूँ मैं 90% इनफ रहेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए 90 बराबर से आ रहा है, और बॉर्डर रेडियस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सो बॉर्डर रेडियस इसको कर देंगे 10 इनफ रहेगा, और थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ मैं, पैडिंग ऑफ 20 या फिर 30 कर देता हूँ मैं, 30, सेव। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और थोड़ा सा मार्जिन भी दे देंगे इसमें, सो मार्जिन वर्टिकल इसको कर देंगे 10, सेव कर लेते हैं इसको, तो थोड़ा सा और स्पेस हमको इसमें देखने मिल जाएगा। और हेडिंग में जो मार्जिन वर्टिकल है ना उसको 10 कर देता हूँ मैं, अब ठीक है। उसके बाद में हमारे पास इसमें देखिए एक और हेडिंग है, और उसके बाद में दो बटन्स है, तो इसको भी हमको डिजाइन करना पड़ेगा। सो इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, पेमेंट हेडिंग भी कर सकते हैं, तो अगेन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ पेमेंट कार्ड के बदले पेमेंट हेडिंग, और इसमें हम क्या करेंगे इसका कलर चेंज कर लेंगे, इसको भी जो है ग्रे कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा लाइट कलर हमको दिखाई देगा, और साथ ही में मार्जिन बॉटम ऐड कर देता हूँ इसमें भी, मार्जिन बॉटम ऑफ 10, सेव कर लेते हैं इसको, अप्लाई कर लेंगे एक बार। कहाँ पे अप्लाई करेंगे, पेमेंट मोड है ना, और इसको कर देता हूँ मैं योर, सेलेक्ट योर पेमेंट मोड, इसके अंदर हम जो है अप्लाई कर देंगे इसको। सो स्टाइल, फिर स्टाइल्स को टारगेट करेंगे, स्टाइल्स डॉट पेमेंट हेडिंग, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। अब इसके बाद में दो बटन्स है, तो एक बटन का कंटेनर मैं बना लेता हूँ, कंटेनर या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि पेमेंट कार्ड के बदले यहाँ पर पेमेंट बटन कर देता हूँ उसको। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे पहले शुरू, इसको कर लेता हूँ मैं ब्लैक कलर #0000, सेव करके अप्लाई कर देता हूँ पहले शुरू। सो इस टचेबल ओपेसिटी के ऊपर स्टाइल, और फिर उसके बाद में स्टाइल्स डॉट पेमेंट बटन, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए ब्लैक में आ रहा है, अब इस पे और डिजाइनिंग करना है, और साथ ही में सेम क्लास को मैं क्या करता हूँ नीचे वाले पे भी अप्लाई कर देता हूँ, इस टचेबल ओपेसिटी पे भी, सेव कर लेंगे इसको। तो दोनों भी देखिए चिपक के आ रहे हैं, हालांकि दोनों अलग अलग बटन है, तो इसमें और थोड़ी सी स्पेसिंग हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इस बटन के अंदर आप क्या करें, इसकी हाइट भी ऐड कर दें, हाइट में कर देता हूँ 40 इनफ रहेगा, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए, और बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस इसको कर देंगे 10, सो ये राउंडेड में हमको शो करेगा। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसमें जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को, ताकि सब कुछ सेंटर में अलाइन रहे।
अभी इसके अंदर टेक्स्ट की भी फील्ड है तो उसको भी हमको टारगेट करना है। मैं मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ, ये काफी चिपक के आ रहा है। सो मार्जिन वर्टिकल ऑफ 10, तो देखिए 10 पर कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना उसको भी टारगेट कर लेता हूँ मैं, जैसे कि सेम नाम रखते हैं पेमेंट बटन टेक्स्ट, और इसका जो कलर है उसको चेंज कर लेंगे हम। इसको मैं कर लेता हूँ हैश FF FF FF, और उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे। टेक्स्ट अलाइन इसको कर देता हूँ मैं सेंटर में, ये है सेंटर, सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर इंटरनेट से जो है डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं राउटर रिस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। तो वापस से इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, यानी रिलोड कर देंगे एप्लीकेशन को। और रिलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से स्पिन आ रहा है, तो वापस से मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ उसको। सो इसको आपको क्या करना है, कट करना है, और वापस से क्लाइंट को हम ओपन करेंगे तो फिर से ये रिफ्रेश हो जाएगा। चलते हैं कार्ट में, कार्ट में हमारे पास है चेकआउट, तो देखिए चेकआउट में बराबर से आ रहा है। और इस पेमेंट बटन टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर, जो भी टेक्स्ट है ना उसके अंदर हम क्या करेंगे इस स्टाइल को ऐड कर देंगे। तो आपको लिखना है स्टाइल्स डॉट पेमेंट बटन टेक्स्ट, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है। साथ ही में आप क्या करें, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी, और नीचे वाले टचेबल ओपेसिटी के टेक्स्ट के अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, सेव कर लेंगे इसको। तो देखिए बराबर से शो कर रहा है, और साथ ही में इनके लिए जो है फंक्शन भी बना सकते हैं। तो टॉप पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल COD फॉर कैश ऑन डिलीवरी, और ये रहेगा इनलाइन एरो फंक्शन। इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, अलर्ट मैसेज शो करा देंगे। सो अलर्ट, अलर्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली, सेव कर लेते हैं इसको। और इसके बाद में क्या करेंगे, इसको जो है अप्लाई कर देंगे हम इस टचेबल ओपेसिटी के ऊपर, कहाँ पर टचेबल ओपेसिटी है उस पर अप्लाई कर देंगे। सो इसके ऑन प्रेस पे आपको जो है इसको अप्लाई करना है। सो हैंडल को सेव कर लेते हैं इसको और टेस्ट कर लेंगे एक बार। तो जैसे हम इस कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ऑर्डर होके हमको मिलेगा, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। उसी तरीके से ऑनलाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन बना सकते हैं। सो इसके बाद में, और ये एरे में हो गया, सो आप इसको ऑब्जेक्ट में बना ले पहले शुरू। ये है कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे भी आपको जो कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना है, सेव कर लेते हैं इसको। तो अब थोड़ा सा जो है ये ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये फंक्शन है। अब इसके बाद में एक फंक्शन बना लेंगे, और हैंडल ऑनलाइन इक्वल टू इनलाइन एरो फंक्शन, और ये भी कर्ली ब्रेसेस है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली इसको नेविगेट हम करा सकते हैं। तो नेविगेशन देखिए, ये पेज है ना, तो इसमें हम नेविगेशन को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेविगेशन, और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, यूजर को नेविगेट करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, आपको सिंपली लिखना है नेविगेशन डॉट नेविगेट। नेविगेट कहाँ पे कराएंगे इसको, हम पेमेंट वाले पेज पे इसको रिडायरेक्ट कराएंगे, जो कि अभी अपने पास नहीं है, लास्ट में हम देखेंगे इसको। सेव कर लेते हैं इसको, और साथ ही में अलर्ट मैसेज भी ऐड कर देता हूँ मैं, अलर्ट यू आर रिडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे, सेव कर लेते हैं इसको। और इसको जो है असाइन कर देंगे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर। सो इस बटन पे आपको क्या करना है, ऑन प्रेस पे इस फंक्शन को असाइन करना है, हैंडल ऑनलाइन, सेव कर लेते हैं इसको, टेस्ट कर लेंगे एक बार। अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट बराबर से आ रहा है, लेकिन साथ ही में हमको एरर भी मिल रहा है नेविगेट का, क्योंकि हमारे पास ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है ना, जो भी हमने यहाँ पर पेमेंट का पेज इसको बताया है ना वो अभी हमारे पास नहीं है। आप इसको बना के भी छोड़ सकते हैं, कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। इस स्क्रीन के अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ पेमेंट डॉट चेयर, और इसको हम जो है फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RNFE, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, ये है RNFE, सेव कर लेते हैं इसको। और app.js में इसका भी एक राउट बना लेंगे आप। सो आपको जाना है app.js में, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेकआउट के नीचे कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ पेमेंट, और फिर कंपोनेंट को इम्पोर्ट कर देंगे यहाँ पे पेमेंट। सजेशन यहाँ पे शो करेगा स्क्रीन के अंदर से, सो इस पर आपको क्लिक करना है, कंपोनेंट भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए पेमेंट, और राउट के अंदर हमने क्या लिखा था, पेमेंट लिखा है, ठीक है। तो इस app.js को भी सेव कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ ऑनलाइन के ऊपर, तो देखिए मैं सक्सेसफुली जो है रिडायरेक्ट हो चुका हूँ पेमेंट्स वाले पेज पर। और इसको भी जो है ना लेआउट से मैं रैप कर लेता हूँ, चेकआउट वाले को भी जो है लेआउट से रैप कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेआउट, मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी करिए, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और क्लोज टैग यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ कट, और इस व्यू के बाद में पेस्ट कर देता हूँ, सेव। बैक आ जाते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पर भी अब फूटर अपने पास बराबर से शो कर रहा है, और पेमेंट वाले में भी, और पेमेंट वाले पेज में भी हम फूटर ऐड कर देंगे। सो ये है पेमेंट पेज। तो इस व्यू के बदले आप इसको लेआउट से रैप कर लें, लेआउट इसको भी इम्पोर्ट कर लें,
देखिए यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए पेमेंट के अंदर भी हमारे पास फूटर बराबर से शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन में देखिए चेकआउट की फंक्शनैलिटी भी बन गई, कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हैं या फिर जो है ऑनलाइन भी आप इसमें पे आउट कर सकते हैं। जैसे पे आउट करेंगे तो यहाँ पे हम जो है कोई ना कोई थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ से अगर ऑर्डर सक्सेस होता है तो फिर उसको रिडायरेक्ट कर लेंगे माई अकाउंट के अंदर।